गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। ओपन योर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज नंबर 47। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द रेड बस। एंड व्हाट डेट इज टुडे? टुडे इज 21st एंड जनवरी 2021। नंबर ऑफ जनवरी इज 1। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ओके, इससे पहले हम प्रेपोजिशंस कर चुके हैं। दैट व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज प्रेपोजिशन टेल अस अबाउट द पोजिशन, मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, इससे पहले हमने कौन कौन सी प्रेपोजिशंस की थी? इन, ऑन एंड अंडर। इन यूज होते हैं अंदर के लिए, ऑन यूज होता है ऊपर के लिए, और अंडर यूज होता है नीचे के लिए, जो चीज़ नीचे रखी है उसके लिए। ठीक है, जो एट होता है आज हम करेंगे एट। एट होता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, ठीक है, जो हमें किसी चीज़ की स्पेसिफिक लोकेशन या जगह बताती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टाइम के लिए भी और बहुत सारी जगहों पे भी यूज़ होती हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि जब चीज़ों की स्पेसिफिक जगह बतानी हो तो उसके लिए हम ऐट यूज़ करते हैं। जैसे ऐट द बैक, ऐट द फ्रंट, ऐट द बॉटम, इनके साथ हम ऐट यूज़ करते हैं। बैक, फ्रंट और बॉटम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ऐट यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। The children are sitting in a bus. The children are sitting in a bus. बच्चे कहाँ बैठे हैं? बस में। The bus is red. और बस का कलर क्या है? बस का कलर क्या है? कलर ऑफ बस इज रेड। The bus is red. Sarah is sitting at the back of the bus. Sarah कहाँ बैठी है? She is sitting at the back. At the back का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, She is sitting at the back of the बस, वो इस बस के पीछे वाली सीट पे बैठी हैं। द ड्राइवर इज सिटिंग एट द फ्रंट। और द ड्राइवर इज सिटिंग एट द फ्रंट। फ्रंट पे बैठे हैं क्योंकि ड्राइवर तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बस को ड्राइव कर रहे हैं। सो ही इज सिटिंग एट द फ्रंट, सामने बैठे हैं। फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने। और बैक का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, ड्राइवर इज सिटिंग एट द फ्रंट। The boxes and sacks are on top of the bus. And where are the boxes and sacks? जो सामान और boxes हैं, they are on top of the bus. वो बस की छत पे हैं। ठीक है, The boxes and sacks are on top of the bus. The wheels are at the bottom. और जो tires हैं, wheels हैं, वो कहाँ पे हैं? Bottom में हैं, तह में हैं, नीचे हैं। ठीक है, The bus is in the middle of the road. And where is the bus? Bus is in the middle of the road. Road के दरमियान में है। ठीक है, Back कहते हैं पीछे को, Front कहते हैं सामने को, Top कहते हैं ऊपर को, Bottom कहते हैं नीचे को, तह को, और Middle कहते हैं दरमियान को। Back कहते हैं पीछे को, ठीक है, Front कहते हैं आगे को, टॉप ऊपर की जो प्लेस होती है उसको कहते हैं, और बॉटम नीचे जो तय होती है, नीचे की जो जगह होती है उसको कहते हैं, और मिडल दरमियान की जगह को कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रिपीट द रीडिंग। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ बस। द बस इज रेड। सारा इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द बस। द ड्राइवर इज सिटिंग एट द फ्रंट। The boxes and sacks are on top of the bus. The wheels are at the bottom. The bus is in the middle of the road. Use these words in sentences. Some words are given here and you have to make the sentences of these words. At the back. At the back का मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे, The boys were sitting at the back of class. The boys were sitting at the back of the class. कि boys कहाँ बैठे हैं? Class की पीछे बैठे हैं। On the top, the green covering is on the top of water. The green covering is on the top of the water. कि पानी के ऊपर एक green covering आई हुई है। At the bottom, the telephone is at the bottom of the stair. कि फ़ोन जो है वो stairs के नीचे रखा हुआ है। In the middle, he is standing in the middle of the room. वो कहाँ बैठे खड़े हैं? Room के mid में, दरमियान में खड़े हैं। He is standing in the middle of the room.
ये फोर वर्ड्स हैं, इनके आपने खुद से भी सेंटेंसेस बनाने हैं. एट द बैक, ऑन द टॉप, एट द बॉटम, इन द मिडल. मैंने आपको बताया है कि बैक पीछे के लिए, टॉप ऊपर के लिए, बॉटम नीचे के लिए, और मिडल जो है वो दरमियान के लिए यूज़ होता है. फ्रंट, बैक और बॉटम के साथ आप एट यूज़ करते हो. फ्रंट, बैक और बॉटम के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप एट यूज़ करेंगे. इसके साथ, इसके अलावा और टाइम के लिए भी आप एट यूज़ करते हैं. दिस इज योर टुडे ऑक्सफोर्ड रीडिंग, ऑक्सफोर्ड रीडिंग. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.